नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन। दोस्तों, मैं ये चैनल फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ और मैं बातें करता हूँ बिजनेस की। बिजनेस के कुछ सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही एक सॉल्यूशन है फोटोकार्ड नाम से। यह एक मार्केट प्लेस ऐप है जो किसी प्रकार का, अगर आप बिजनेस करते हैं कोई प्रोडक्ट सेलिंग का या किसी प्रकार की डोर टू डोर सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस मार्केट प्लेस ऐप से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपनी शॉप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बायर हैं तो एज ए बायर आप इससे जुड़ सकते हैं, और किसी प्रकार के प्रोडक्ट और होम सर्विसेज आपको चाहिए तो उसके लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एक मार्केट प्लेस ऐप है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, मैं आज जो बात करूंगा वो बात करूंगा माइंडसेट। अब माइंडसेट की बात क्यों करूंगा, कैसे ये माइंडसेट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा? डेफिनेटली बिजनेस को अफेक्ट करता है माइंडसेट 80% एंड स्किल सेट 20% किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए जरूरी होता है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपकी बिजनेस लाइफ में भी माइंडसेट का बड़ा फर्क होता है। तो आज हम बात करेंगे कि माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट। मैं बात करूंगा कि एक पुअर माइंडसेट क्या होता है और एक रिच माइंडसेट क्या होता है। जब डिफरेंस आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप रियलाइज करेंगे कि कितना डिफरेंस होता है। क्यों ये इतने बड़े बिजनेस जो है स्केल अप करते हैं, क्यों इतने एंटरप्राइज बनते हैं, कुछ ना कुछ एक माइंडसेट का डिफरेंस होता है जो कि उनको बड़ा और ग्रेट बनाता है, एक एवरेज मीडियोक्रिटी से और एक ग्रेटनेस की तरफ ले जाता है। तो आज हम उन्हीं माइंडसेट की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला जो मैं कहना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट, वो होता है सक्सेस के प्रति हमारा एटीट्यूड। देखिए, जो पुअर माइंडसेट के लोग होंगे वो सक्सेस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, जबकि जो रिच माइंडसेट के लोग होंगे वो हमेशा सक्सेस उनके लिए ऑब्लिगेशन, कंपलसरी, हमेशा वो सक्सेस उनका डिफाइंड होता है, एक गोल उनका डिफाइंड होता है, एक ड्रीम उनका डिफाइंड होता है, और उस अपने गोल को पूरा करने के लिए वो और वर्क करते हैं। उनका सारा जो वर्क है, उनका सारा फोकस उस गोल की तरफ होता है। डेफिनेटली सक्सेस का उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, और इसी कारण वो कोई भी बिजनेस जो करते हैं या अपने जॉब में है या कैरियर में है, वो उसको पूरा करने के लिए करते हैं। देन जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका ब्लेमिंग का। जो पुअर माइंड सेट के लोग होंगे वो दूसरों पर ब्लेम करेंगे, कोई भी सर्कमस्टेंसेज है, कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ जो उनको आती है, तो उसके लिए वो दूसरों को दोषी ठहराएंगे, वो सर्कमस्टेंसेज को दोषी ठहराएंगे, वो डेस्टिनी को दोषी ठहराएंगे, वो दूसरों पर ब्लेम डालेंगे। लेकिन जो रिच माइंड सेट के लोग होंगे वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पहचानते हैं, वो जानते हैं कि परिस्थितियाँ आई है, लेकिन डेफिनेटली इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है और मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो ये डिफरेंस। देन आता है आपके मंथली जो जो उनका खर्चा होता है उसको भी आप देख लीजिए। ये जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो मनी स्पेंड करते हैं, जो भी इनकम आती है इनकम वो स्पेंड करेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान फोकस नहीं होता। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर अपना अटेंशन पूरा देते हैं। यानी कि जो पुअर माइंडसेट होगा वो पहले खर्च करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको सेव करेंगे, जबकि रिच मेंटेलिटी के जो लोग होंगे वो सबसे पहले सेव करेंगे और जो बच जाएगा उसको फिर खर्च करेंगे। ये डिफरेंस होता है। देन पुअर माइंडसेट के लोग रिफ्यूज टू लर्न, वो कुछ नया सीखना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उन्होंने सोचा बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया, डिग्री ले ली, सब कुछ ले लिया, बस अब कुछ आगे जिंदगी में कुछ नहीं सीखना, यही मेरे लिए सफिशियंट है, इससे मेरी लाइफ निकल जाएगी और रिटायरमेंट के बाद तो फिर मैं बस बल्ले बल्ले है, वो रिटायरमेंट की सोचेगा। लेकिन जो रिच मेंटेलिटी के लोग हैं वो हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग पर विश्वास करते हैं, हमेशा उनकी लर्निंग जो है कभी बंद नहीं होती। देन हमेशा जो पुअर मेंटेलिटी के लोग हैं वो पास्ट पर अपना फोकस रखते हैं, वो पास्ट पर अटके रहते हैं, पास्ट में जो उनके साथ गलत हुआ, जो घटना हुई या फिर जो अच्छा भी हुआ, तो वो उस पर चिपके रहते हैं, वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन जो रिच मेंटेलिटी के लोग हैं वो हमेशा फ्यूचर पर फोकस रखते हैं, हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते हैं, और डेफिनेटली वर्तमान को तो वो जीते ही हैं लेकिन फ्यूचर में भी उनका पूरा प्लान होता है, उनका ड्रीम होता है, पूरा गोल होता है। देन जो मैंने आपको बताया, ये पुअर मेंटेलिटी के लोग इनकम ड्रिवन होते हैं या इनकम पर फोकस होता है इनका, लेकिन जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं ये अपनी वर्थ बढ़ाते हैं, नेट वर्थ बढ़ाते हैं, ये अपना वेल्थ क्रिएशन करते हैं, जबकि पुअर मेंटेलिटी के लोग वेल्थ के बारे में कुछ समझेंगे नहीं। वेल्थ क्या होती है दोस्त? वेल्थ वो मनी और वो आपका जो वैल्यूएबल्स जो आपके पास में है, जो कि आपने खर्च नहीं किया, दैट इज वेल्थ। वो वेल्थ है जो आपने खर्च नहीं किया, जो आपके पास में है। अब वेल्थ में आप ये नहीं समझे कि सिर्फ मॉनिटरी जो आपके पास पैसा होता है वही वेल्थ नहीं है, आपका असेट्स हो सकता है,
जो आपका खुद का जो पर्सनल स्किल्स है आपकी, जो आपकी प्रोफेशनल स्किल है, वो आपका वेल्थ है, वो आपकी असेट्स है। तो वेल्थ में आता है आपका असेट्स, वो ऐसा असेट्स जो आपने सजो के रख रखा है, वो आपने खर्च नहीं किया, दैट इज वेल्थ। तो ये वेल्थ पर फोकस करेंगे, जब ये इनकम पर फोकस करते हैं, जो इनकी इनकम आती है वो इनकम के इनकम ग्रेड पर और जो उनको बोनस मिलता है उस पर वो फोकस करते हैं। देन पुअर मेंटेलिटी के लोग छोटा सोचते हैं, उनकी सोच हमेशा छोटी मिलेगी यार, जबकि रिच मेंटेलिटी के लोगों की सोच हमेशा बड़ी होती है। वो बजाय किसी चीज़ को खरीदने से पहले वो कंपनी खरीदना पसंद करते हैं, जिस चीज़ को वो ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं उसकी कंपनी की तरफ उनका ध्यान रहता है, अटेंशन रहता है कि कैसे वो कंपनी का शेयर लें, उनका हमेशा फोकस कंपनी के शेयरों की तरफ रहता है, यानी कंपनी का वो पार्ट खरीदना चाहते हैं। तो ये उनका थिंकिंग में डिफरेंस हुआ। देन चेंजेज स्टेटस को, जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होंगे वो स्टेटस को रखना चाहेंगे, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, हमें कुछ और चेंजेस इसमें नहीं चाहिए, चेंजेस से बड़ा डर लगता है इनको। लेकिन जो रिच मेंटेलिटी के लोग हैं वो हमेशा चेंजेस की तरफ उनका हमेशा फोकस रहता है, वो चाहते हैं कि अपग्रेड करें, अपडेट करें अपने आप को, और जो नया ट्रेंड है उसके साथ अपने आप को, और उस ट्रेंड के साथ अपने आप को ले जाएं। तो ये उनका फोकस रहता है। देन आते हैं ये क्रिटिसाइजिंग का, ये हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे पुअर मेंटेलिटी के लोग, जबकि रिच मेंटेलिटी के लोग जो है वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो दूसरों को आगे प्रोत्साहित करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, लोगों को प्रमोट करते हैं, वो बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं, वो अपनी टीम को भी प्रमोट करते हैं कि लोग जो है एनकरेज करते हैं उनको, वो लोग आगे वर्क करें। देन टाइम वेस्ट करना, पुअर मेंटेलिटी के लोगों का जो है वो टाइम वेस्ट करने का रहता है, जबकि ये अपने टाइम का पर बड़ा टाइम को ये कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप इनके जेब में से पैसा आप ले जाइए लेकिन टाइम नहीं दे पाएंगे, इनका टाइम बड़ा सटपो होता है, बड़ा डिजाइंड होता है, बड़ा इनका मैनेजमेंट टाइम का बड़ा अच्छा होता है, और टाइम को ये बहुत कीमत देते हैं, ये टाइम की वैल्यू बहुत समझते हैं रिच मेंटेलिटी के लोग। देन हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे पुअर मेंटेलिटी के लोग, जबकि रिच मेंटेलिटी के लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, वो प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करेंगे, वो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। जितने भी स्टार्टअप होते हैं, जैसे कि फोटो कार्ड, देखिए यार फोटो कार्ड एक स्टार्टअप जो हुआ वो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर हुआ, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली मार्केट में है, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था इसलिए फोटो कार्ड का जन्म हुआ, है ना। प्रॉब्लम क्या थी कि जो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट के जितने भी छोटे बड़े दुकानदार हैं वो किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो अछूते हैं, है ना, उनके पास में कंप्यूटर या इस तरह की नॉलेज उनके पास नहीं है, नहीं उनके पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि वो एक कोई अपना ई कॉमर्स स्टोर डाल सकें, अपनी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट डाल सकें, या फिर वो किसी अगर मार्केट प्लेस से जुड़ेंगे भी, जो ऑलरेडी बाजार में बड़े बड़े मार्केट प्लेस ऐप हैं या वेबसाइट हैं, वहाँ पर उनको इतना सारा कमीशन देना पड़ता है, वहाँ की रिफंड रिटर्न पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो ये एक पेन था उनका, ये पेन एरिया था कस्टमर का, क्लाइंट का। तो हमने उस पेन एरिया को पहचाना, उस प्रॉब्लम को पहचाना और उसका सॉल्यूशन निकाला, तो हमेशा फोकस कहाँ हुआ, सॉल्यूशन पर हुआ। तो ये होता है सॉल्यूशन की बात। देन ये जो है हमेशा जो है इनका इनकम का सोर्स होता है वो सिंगल इनकम का सोर्स होता है, जैसे वो जॉब पर होंगे, है ना, तो सैलरी उनकी इनकम सोर्स होगा, हमेशा एक सिंगल इनकम सोर्स पर ये काम करते हैं, जबकि जो रिच मेंटेलिटी के लोग होंगे वो हमेशा अपना इनकम स्ट्रीम को और मल्टीपल करते हैं, यानी कि कई क्वाड्रेंट से पैसा आता है उनके, वो बिजनेस में भी होंगे तो उनका हो सकता है उनका जॉब भी हो, जो प्रोफेशनल भी हो, वो मनी को इन्वेस्ट भी करेंगे, जिससे कि कई सोर्सों से और उनके पास में पैसा आए। तो दूसरा, फिर पुअर मेंटेलिटी के लोग हैं वो वर्क ड्रिवन होते हैं, जबकि रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो गोल ड्रिवन होते हैं, यानी कि वो गोल के लिए काम करते हैं, वर्क वो करवाते हैं लेकिन वो अदर पीपल्स टाइम, अदर पीपल्स एनर्जी उसको साथ लेके, सिर्फ अकेले जो है वो अकेले के बस पर और अकेले के बल पर वो अपने और गोल को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उनको पता है उन अदर्स लोग जो दूसरे लोग हैं उनकी एनर्जी और उनका टाइम है उसका उनको वैल्यू पता है और उसको वो यूज करके और अपने आप को सक्सेस करते हैं। तो बस दोस्तों ये थी बात पुअर एंड रिच मेंटेलिटी की। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें, आप जितना भी आप इसको फैलाएंगे जिससे लोग डेफिनेटली जो है इसका फायदा लें। और धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़ते हैं इस तरह से मेरे YouTube चैनल पर, और आप कमेंट भी देते हैं और इस तरह का प्यार मुझे आपका मिलता है, डेफिनेटली उससे मैं उत्साहित रहता हूँ, हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ, हर नए टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस कैसे भी करके आपकी पर्सनल और बिजनेस ग्रोथ दोनों में ही आप जो है वो सक्सेसफुल हो, सफल हो और इसी तरह आप बढ़ें आगे, बस यही मेरी कामना है। धन्यवाद, जय हिंद।